सुजानपुर के शेखा मोहल्ला में कूड़े को लेकर हुआ मामूली विवाद खूनी झड़प में तब्दील हो गया है। इस झड़प में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल पठानकोट में लाया गया है। मीडिया को जानकारी देते हुए पीड़ित व्यक्ति एवं पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि शेखा मोहल्ला के रहने वाले काला नाम के व्यक्ति के बेटे ने बाहर से युवक बुलाकर उनके ऊपर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे 3 व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गए। घायलों का इलाज कर रहे डॉक्टर मुकुल जुल्का ने बताया कि फिलहाल मरीजों की हालत स्थिर है। फिलहाल पुलिस की ओर से हमला करने वाले युवकों में से एक को पकड़कर थाने ले जाया गया है और जांच की जा रही है। सुजानपुर से संवाददाता की सरोज के आरटी न्यूज नेटवर्क। गल की है कि इनका अपना घर है, ते माड़ा कूड़ा लांदे रहे आ, ते काले होई पाला माइन है कूड़ा लांदे रहे। इन्हां दे फादर साहब ने कहा दलवीर सिंह होणां ने कि कूड़ा सिना लाए करो, ते कहिंदे आपां कूड़ा इत्थे लाउणा। ते सवेरे माड़ा मोटा झगड़ा आया इहदा, असीं लड़ाई छिड़ाती इहदी, सफाई नहीं भाई बोल चाल होई, तां मैं लड़ाई छिड़ाती। उस तों बाद की होया कि 10 मिनट बाद इहदे मुंडे ने गोरू ने बदमाश बुला लए, 7 मुंडे फिर इन्हों ने हमला करता। अभी मौके पर मौजूद ही एक मुड़ा ज्ञानी सरदार कोई प्रिंस ना आता, वो पुलिस आए मौके पर लै गए फट के इन्हों। जिदा अज सुजानपुर शेखा महल से इदा होया, इदा तो पंजाब से गुंडाराज बढ़ जाएगा, घटता नहीं पाया बढ़ता पाया। इस करके इन्हों इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ पूरी सपोर्ट करने आप कि यह गलत कर रही, गलत होया, इन्हें बारह बदमाश बुलाए। मेरा नाम है जसविंदर सिंह, हाँ जी सुजानपुर दे मतलब शेखा। सर जी थोड़े दिन पहले ना ये ना गंद लगाते चाचे की कंध नाल, मतलब जो भी है ना चाचे की कंध लाना इन्होंने। फादर साहब ने बोलिया इतने ना लाए करो गंद, कुत्ते भी गंद पाते इतने नंगना होंगे रोज़ ही, इतने ना गंद पाए करो। काले नाल गल की काला जो मशीन वाला, तो उसका नाम मुड़ा ना गुरु है। जिस तरह इन्होंने गल की तो वो थोड़ी बदतमीज ने डरना पे बोलो, कहते लगाना जो करना जो गल। फादर साहब ने सू सुनाया नहीं गल, इन्हें पहले भी इस तरह लफ्ज़ बोलिया ये गल्ला इन्हें कही मुंडे ने, ठीक है। उस तो बाद अज फादर साहब ने गल की कि मुड़ा बदतमीज जहाँ पहले भी इन्हें इस तरह गल की, तो मैं चुप रहा अगर दिखता रहा बार बार। तो अं पुछया काले तेरे मुंडे उदो बदतमीजी, मैंने नहीं पता उदो गल ये गल हुई है कि गांव तो गल हुई है कि बोलिया। तो उसने भी इंद्र सामने ना फोन चला पाया गला कर मुंडिया उदन, मैं काले समझा अपने मुंडे तो सेंस होनी चाहिए बड़े ने किस तरह गल करते किस तरह नहीं। हूँ तो मुंडे बुलाए बुलाए करता फोन के, मैं जा बुला ला मुंडे बुलाने पर यह गल हुई। तो अच्छा नहीं बुलाने इस तरह खलो गए सैड च मशीन खोल उतरा, तो ब्रदर चल गए अगे कि फादर साहब घर चल गए। इन्हें मुंडे बुला ले कोई 6-7 जने मुंडे, ये 6-7 मुंडे बुलाए तो रुमाल बने का एक सरदारा का मुंडा ही कोई बुलट दे आया, 3-4 दूसरे ही मुंडे ही, तो वो आटो च बह गए। तो ब्रदर ना लागू लंघे तो इन्हें पूछा गुरु मुंडे लै गया आया, कहिंदा आहो कर ला जो करना, ये लफ्ज बोलिया काले मुंडे ने। ब्रदर गया तो उत्थों जिया लगे दौड़ रहे लगे मुंडे फड़न, तो जिम्मे मुड़े पास मैं होया फड़न, जिसे लगे सट करा लगा फड़न, तो पिछों ने काले मुंडे गुरु ने मेरे चबल मारती राड मारती पिछों, बोले मैं बेहोश हो गया थले। इतों हतो पाई हुए तो वो जहाँ सरदार ही ना इन्हें मशीन के अंदर बाड़ लिया जो मुंडे, तो बाकी दड़ा पे गई इन्होंने पिछों पिछों। सर यही गल सू इंसाफ चाहिए सर जी, हाँ कंप्लेट कर सर सू इंसाफ चाहिए जी। लड़ाई झगड़े का केस आया, मैं 2-3 पेशेंट आए हैं ट्रीटमेंट वास्ते आए हैं, पेशेंट की कंडीशन स्टेबल है, आप ट्रीटमेंट शुरू कर देता है।